वनों में पृथ्वी के बायोमास संयंत्र का 80% हिस्सा होता है और वे लगभग 380 मिलियन वर्षों से है। हम सभी जानते हैं कि फॉरेस्ट, वुड्स और जंगल अलग अलग होने चाहिए, लेकिन ऐसा क्या है जो उन्हें परिभाषित करता है? जब हम जंगलों के बारे में सोचते हैं, तो हम घने उष्णकटिबंधीय या विदेशी जलवायु की कल्पना करते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए वुड्स और जंगल अक्सर एक ही चीज को संदर्भित करते हैं, एक जंगली क्षेत्र। लेकिन क्या वास्तव में इन तीन समान प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित करता है? आइए तीन अलग अलग वृक्ष उन्मुख पारिस्थितिक तंत्रों में से प्रत्येक की परिभाषा को देखें और देखें कि वे कैसे भिन्न हैं। अभी हम जानते हैं कि वन क्या है। संक्षेप में, जंगल मुख्य रूप से पेड़ों से बना एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है। वनों में विश्व के प्लांट बायोमास का 80% भाग होता है। इसे शब्दकोश में वर्णित किया गया है, मुख्य रूप से पेड़ों और अंडरग्राउंड के साथ कवर किया गया एक बड़ा क्षेत्र। वन लगभग 380 मिलियन वर्षों से है और कई प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। तापमान और वर्षा दो बहुत आवश्यक चीजें हैं जो जंगल को पनपने और बढ़ने में मदद करती है। पेड़ की ऊंचाई, वृक्ष घनत्व, भूमि उपयोग, कानूनी स्थिति और पारिस्थितिक कार्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें दुनिया भर में अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है। इन मानव निर्मित नियमों के साथ साथ ऐसे भौगोलिक कारक भी है जिन्होंने विभिन्न प्रकार के वनों के नाम और निर्माण को प्रभावित किया है, जैसे वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वन, बोरियल वन और समशीतोष्ण वन। जंगल वास्तव में क्या है, इसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में इस्तेमाल की जाने वाली परिभाषा में 800 से अधिक भिन्नताएं हैं। क्या आपको पता है कि वन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? वन शब्द का प्रयोग पहली बार 13वीं शताब्दी में प्रलेखित किया गया था और यह जंगल के लिए पुराने फ्रांसीसी शब्द फोर्ट से आया है। ऐसा कहा जाता है कि फॉरेस्ट शब्द को अंग्रेजी भाषा में शिकार भूमि के अर्थ के साथ पेश किया गया था। उस समय उसकी कोई परिभाषा नहीं थी कि इस भूमि पर पेड़ हो या जंगल। सबसे शिकार भूमि ज्यादातर जंगली होती है, क्योंकि यह वह जगह है जहाँ शिकार के लिए खेल सबसे अच्छा लाया जाता है। इसलिए समय के साथ यह शब्द जंगली शिकार भूमि से अधिक जुड़ा हुआ है। ऐसे सुझाव है कि यह शब्द पहले ओल्ड हाई जर्मन से आया था, जिसका अर्थ है खुली लकड़ी। लैटिन शब्द फॉरेस्ट का अक्सर पूरे यूरोप में शासक या राजाओं के शिकार के मैदान का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता था। शब्द की सटीक उत्पत्ति अस्पष्ट है और कई सिद्धांत हैं, लेकिन वे सभी सुझाव देते हैं कि जंगल शब्द का इस्तेमाल पूरे इतिहास में शिकार के मैदान का वर्णन करने के लिए किया गया है और समय के साथ यह अंग्रेजी शब्दों में एकीकृत हो गया है, जिसका अर्थ जंगल के समान है। वुड्स और जंगल में क्या अंतर है? शब्दकोश परिभाषा में कहा गया है कि जंगल या वुडलैंड भूमि का एक क्षेत्र है जो बढ़ते पेड़ों से आच्छादित है, लेकिन जंगल छोटा है। शब्द वुड्स या वुडलैंड एक भारी घने वृक्ष क्षेत्र का वर्णन करने के लिए उपयोग करने के लिए मूल शब्द होता, लेकिन समय के साथ साथ सटीक परिभाषा विकसित हुई है। दोनों के बीच एक आसान निश्चितता यह थी कि जब जंगल शब्द का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि यह मूल रूप से शिकार के मैदान को परिभाषित करता था और राजा के लिए यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता। इसका मतलब यह हुआ कि अधिकांश प्राकृतिक जंगल जो शिकार के मैदान का हिस्सा नहीं थे, वे छोटे हो गए। इसलिए आकार के अलावा वुड्स और जंगल के बीच जलवायु या आवास में कोई अंतर नहीं होते हैं। वे पारिस्थितिक तंत्र में लगभग समान है। यह सब इतना ही कि वुड्स जंगलों से छोटे होते हैं। चलिए अभी जानते हैं जंगल क्या है। एक जंगल को अक्सर जंगल या वुडलैंड से बहुत अलग होने के रूप में परिभाषित किया जाता है। हम इसे अधिक विदेशी और उष्णकटिबंधीय मानते हैं। जंगल घने क्षेत्र का एक जंगल है और उष्णकटिबंध के भीतर स्थित अतिवृष्टि उलझी हुई वनस्पति है। यह परिभाषा बनाती है कि एक जंगल
जंगलों के नेटवर्क से बना होता है और इसमें अक्सर जमीन पर अधिक पौधे उगते होंगे। नाम भ्रम का एक उदाहरण अमेज़न वर्षावन है। जंगल वनों के जाल है, इसलिए उन्हें वनों के रूप में संदर्भित किया जाता है, लेकिन समूह के रूप में उन्हें जंगल कहा जाएगा। अभी हम जानते हैं कि फॉरेस्ट, वुड्स और जंगल में क्या अंतर है। तीन पारिस्थितिक तंत्रों के बीच पारिभाषिक तत्व आकार और जलवायु है। घने वृक्षों के विकास का सबसे छोटा क्षेत्र लकड़ियों को माना जाता है। इसके बाद वन होते हैं, जो बड़े भूमि क्षेत्र बनाता है, और अंत में जंगल, जो ऊंचे ऊंचे उलझे हुए जंगलों से बने होते हैं। जंगल भी उष्णकटिबंधीय जलवायु में स्थित होते हैं और अक्सर अधिक आर्द्र होते हैं, जबकि वुड्स और जंगल कम आर्द्र होते हैं और दुनिया भर में स्थित होते हैं। अगली बार जब आप अपने आप को किसी जंगली इलाके में पाते हैं, तो सोचें कि यह फॉरेस्ट है, वुड है या जंगल है, इस पर निर्भर करते हुए कि आप दुनिया में कहाँ है। अन्य प्रकार के जंगल है जो आपको पता लगाने के लिए मिल सकते हैं कि यहाँ तक कि जानवरों और पौधों का अपना विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र भी है। तो दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।